नमस्कार दोस्तों, मैं सतेन तोमर स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद सतेंद्र में। और पिछली क्लास में जो ज्योग्राफी की हमारी पिछली क्लास हुई थी, उस लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था चट्टान के बारे में। और चट्टान मैंने आपको बताई थी तीन प्रकार की, आग्नेय अवसादी और कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। तो मैंने आग्नेय चट्टानों के बारे में आपको बता दिया था लास्ट क्लास में। जो नेक्स्ट हमारी चट्टान है वो कौन सी है? अवसादी चट्टान। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अवसादी चट्टान है क्या। तो देखो, ये शब्द जो है, ये शब्द किससे बना है? अवसाद से। किससे? अवसाद। अवसाद जो होते हैं वो क्या होता है, ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े। और जब छोटे छोटे टुकड़े कहीं पर जाकर जमा हो जाते हैं तो फिर वहां पर अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। तो ये अवसादी चट्टान का निर्माण होता कैसे है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी सतह है, इस तरीके से ये पृथ्वी सतह है। और जो पृथ्वी सतह है, इस पृथ्वी सतह पर, यानी अगर हम बात करें तो अवसादी चट्टान का निर्माण जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है उस प्रक्रिया को कहते हैं अनाच्छादन। क्या कहते हैं? अनाच्छादन। अनाच्छादन की प्रक्रिया मैं आपको बता चुका हूं कि अनाच्छादन है क्या। तो अनाच्छादन जो है वो एक प्रक्रिया नहीं है, वो तीन प्रक्रियाओं का समूह है, जिसमें अपक्षरण, अपरदन और बृहत क्षरण की प्रक्रियाएं जो है वो शामिल होती है। तो अनाच्छादन के अंतर्गत सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है अपरदन, सॉरी अपक्षरण। अपक्षरण क्या है? यानी मौसमी प्रभाव के कारण चट्टान का एक ही स्थान पर रहकर टूटना। यानी जैसे ये कोई चट्टान है, इस पे लगातार धूप पड़ रही है, तो धूप पड़ने के कारण इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये चट्टान जो है वो फैलेगी। ऐसे रात के समय में जब धूप नहीं पड़ेगी तो रात के समय में चट्टान कैसी हो जाएगी? ठंडी। चट्टान सिकुड़ेगी। तो जो चट्टान है वो लगातार फैलने और सिकुड़ने के कारण क्या हो जाएगा? टूट जाएगी। छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूट गई। अब मान लो छोटे छोटे टुकड़ों में जैसे ही चट्टान टूटेगी तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े आगे बहकर जाएंगे। और जब ये छोटे छोटे टुकड़े आगे बहकर जाएंगे तो जहां कहीं भी गर्त होगा, गड्ढा होगा, उस गड्ढे में जाकर ये जमने लगेंगे। उस गड्ढे में जाकर ये जमने लगेंगे। कब तक जमते रहेंगे? तो उस गड्ढे में इनका जमाव तब तक होता रहेगा जब तक ये सतह जो है वो उसका लेवल जो है वो इक्वल नहीं हो जाता। तो सबसे पहले तो अपक्षरण की प्रक्रिया के माध्यम से जो चट्टान थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? अपरदन हुआ। और अपरदन की प्रक्रिया में क्या हुआ? अपरदन की प्रक्रिया में जो चट्टान है, छोटे छोटे टुकड़े, वो बहकर दूसरी जगह पर चले गए और लगातार इस गड्ढे में जमा होते जा रहे हैं। फिर इस गड्ढे में एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सीमेंटिंग की प्रक्रिया, या फिर उसे बोलते हैं लिथिफिकेशन। क्या बोलते हैं? सीमेंटिंग की प्रक्रिया, या फिर उसे बोलते हैं लिथिफिकेशन। और सीमेंटिंग या लिथिफिकेशन का मतलब होता है जैसे जैसे ये यहाँ पर जो कण है वो जमते जाएंगे, उसके बाद यानी ये क्या होगा, ये चिपक जाएंगे आपस में, सीमेंटिंग हो जाएगी। जैसे ईंट से ईंट चिपक जाती है ना सीमेंटिंग, सीमेंट के माध्यम से, वैसे ही यहाँ पर जो छोटे छोटे कण है वो सीमेंटिंग या लिथिफिकेशन के माध्यम से चिपक जाएंगे। और जैसे ये चिपकेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक चट्टान का निर्माण होगा। उस चट्टान को हम क्या कहेंगे? इस चट्टान को हम कहेंगे अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान कहेंगे। क्या कहेंगे? अवसादी चट्टान। इसका मतलब यह है कि अवसादी चट्टान क्या है? तो अवसादी चट्टान ऐसी चट्टान है जिसका निर्माण अनाच्छादन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। और जो अवसादी चट्टान होती है, इस अवसादी चट्टान के निर्माण में अवसाद का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी अवसाद के माध्यम से बनते, अवसाद मैंने आपको बताया छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, यानी जब चट्टान, यानी जिस छोटे छोटे टुकड़े हैं वो एक स्थान पर जाके जमने लगेंगे तो धीमे धीमे क्या होगा, चट्टान का निर्माण हो जाएगा। तो ये अनाच्छादन की प्रक्रिया के माध्यम से अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। अब यहां पर अगर हम ये देखें कि आपने ये देख लिया कि अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे होगा, अगर क्वेश्चन ये आता है पृथ्वी सतह पर, पृथ्वी सतह की बात हो रही है, पूरी पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, पृथ्वी सतह पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी चट्टान का विस्तार है? तो अवसादी चट्टान का विस्तार है।
जो पृथ्वी की भूपरपट्टी है वो पूरी की पूरी किससे बनी हुई है? भूपरपट्टी जो है वो उसकी ऊपरी सतह अवसादी चट्टान से ही बनी हुई है। यानी जिन खेतों में हम फसल बोते हैं वो चट्टाने कौन सी है? अवसादी चट्टाने। यानी पृथ्वी सतह पर सर्वाधिक मात्रा में अवसादी चट्टानों का विकास हुआ है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है उसी पर तो मौसमी प्रभाव ज्यादा होता है और मौसमी प्रभाव के कारण चट्टाने टूट जाती हैं, उनका विघटन नियोजन हो जाता है जिसकी वजह से वो अवसादी चट्टानों में कन्वर्ट हो जाती है। अब इनमें कई सारी ऐसी चट्टाने हैं, उन चट्टानों का नाम पूछता है। जैसे ये वाली चट्टान जो है वो चट्टान कौन से टाइप की चट्टान है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसमें कई सारी चट्टान मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक चट्टान है जिसका नाम है बाउल्डर स्टोन, बाउल्डर स्टोन जो है ये कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। बाउल्डर स्टोन के अलावा अगर हम बात करें, एक और चट्टान होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविल स्टोन, ये भी कौन सी चट्टान है? ग्रेविल स्टोन, ये भी आपकी अवसादी चट्टान है। इसके अलावा एक होती है सैंड स्टोन, कौन सी? सैंड स्टोन, ये भी कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। इसके अलावा एक होती है जिसको हम बोलते हैं सिल्ट स्टोन, ये भी कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। इसके अलावा एक चट्टान होती है जिसको हम बोलते हैं क्ले स्टोन, ये भी कौन सी चट्टान है? तो ये भी आपकी अवसादी चट्टान है, क्ले स्टोन, ठीक है। इसके अलावा एक और चट्टान होती है जिसको हम बोलते हैं मड स्टोन, मड स्टोन भी कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। तो इनमें से अगर कोई भी चट्टान आ जाती है तो उस चट्टान को आप तुरंत बताइएगा कि ये अवसादी चट्टान है। इसके अलावा एक होती है जिसको हम बोलते हैं लाइम स्टोन, कौन सी? लाइम स्टोन। तो जहां पर भी स्टोन शब्द आ जाए ना चट्टान में, तो स्टोन शब्द जहां पे भी आएगा वो अवसादी चट्टान ही होगी। 99.99% वो अवसादी चट्टान होगी। बस इसका एक ही अपवाद देखने को मिलेगा और वो होगा ग्रीन स्टोन। ग्रीन स्टोन अवसादी चट्टान नहीं होती है, वो कायांतरित या रूपांतरित चट्टान होती है, ठीक है। तो ये तो हमने देखा किसके बारे में? अवसादी चट्टान के बारे में, कि जो अवसादी चट्टान है वो अवसादी चट्टान कौन कौन सी है और अवसादी चट्टान के बनने की प्रक्रिया क्या है। अब देखो, अवसादी चट्टान जो है वो यानी धीमे धीमे छोटे छोटे कण जमा हो रहे हैं, तो ये परत दर परत के रूप में जमा होती है, यानी लेयर्स में बनती है। तो ये जो चट्टाने होती है इनमें खनिज तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज तत्वों के साथ साथ अगर हम बात करें तो जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का भंडार होता है, क्योंकि जब पेड़ पौधे टूटकर जम जाते हैं एक ही स्थान पर तो वहां पे क्या होता है, यानी उन पेड़ पौधों के दबने से यानी परत दर परत चट्टान बन रही है, परत दर परत चट्टान बनेगी तो वहां पे क्या होगा? पेट्रोलियम का विकास होगा। तो इस प्रकार की चट्टानों में पेट्रोलियम का विकास भी होता है, ठीक है। दूसरी जो चट्टान है वो कौन सी है? लास्ट वाली हमारी, वो है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। जो कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है, ये चट्टान के बनने की प्रोसेस क्या है? तो या तो टेम्परेचर बढ़ जाए या फिर प्रेशर बढ़ जाए, यानी या तो टेम्परेचर बढ़ जाए या प्रेशर बढ़ जाए, इन दोनों के कारण कायांतरित या रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। जैसे जैसे मान के चलिए कि हमने कहा कि ये पृथ्वी सतह है और यहां पर मान लीजिए इसके यानी पृथ्वी के अंदर कोयला जो है वो दब गया। कोयला जैसे ही दबा तो इस पे प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। पृथ्वी सतह से अगर अंदर की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर भी क्या होता है? बढ़ता है। तो प्रेशर भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, जिसके कारण जो कोयला है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? हीरा। तो जो हीरा है वो क्या है? वो आपकी कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है, यानी उसकी काया जो है वो पलट गई है, उसका रूप जो है वो पलट गया है, इसीलिए उसे कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कह रहे हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कह रहे हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है उसका निर्माण या तो प्रेशर के बढ़ने से या टेम्परेचर के बढ़ने से होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हीरा जो है वो किसमें हम मानेंगे? तो हीरे को हम मानेंगे कौन सी चट्टान? यानी हीरे को हम मानेंगे कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। कई सारी ऐसी चट्टान है जिनका रूप परिवर्तित होके वो कायांतरित या रूपांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट कन्वर्ट हो जाती है किसमें? नीस में। यानी अगर ग्रेनाइट चट्टान कौन सी थी? आग्नेय चट्टान। अगर आग्नेय चट्टान का किसी भी तरीके से प्रेशर बढ़ जाए उस पर या फिर टेम्परेचर बढ़ जाए तो कौन सी चट्टान बनेगी?
निश चट्टान बनेगी। ऐसे ही बेसाल्ट चट्टान जो होती है उस बेसाल्ट चट्टान से बनता है ग्रीन स्टोन। क्या बनता है? ग्रीन स्टोन। और जो ग्रीन स्टोन होता है ये कौन सी चट्टान है? तो कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है। ध्यान रखिएगा केवल ग्रीन स्टोन ही एक मात्र ऐसा स्टोन है जो कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है। बाद बाकी के जितने भी स्टोन होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? वो होंगे अवसादी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सैंड स्टोन जो है, सैंड स्टोन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? क्वार्ट जाइट। आपने देखा होगा बहुत सारी वॉच जो आती है उसमें लिखा रहता है क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज जो होता है उसमें किसकी मात्रा रहती है? सिलिका की मात्रा रहती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे लाइम स्टोन मैंने अभी आपको पढ़ाया था, लाइम स्टोन का अगर टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ जाए तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। जो मार्बल आप घरों में लगवाते हो ना वो कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है, लाइम स्टोन का ही रूप होता है मार्बल। ठीक है, इसके अलावा सेल जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सिस्ट का टेम्परेचर या प्रेशर और बढ़ जाए तो सिस्ट भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें? स्लेट में। ठीक है, तो स्लेट आ जाए, सिस्ट आ जाए, मार्बल आ जाए, क्वार्ट्ज आ जाए, ग्रीन स्टोन आ जाए, नीस आ जाए, ये सारी की सारी चट्टाने कौन सी हैं? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। ठीक है, तो कायांतरित या रूपांतरित चट्टाने भी आप समझ गए। इसके अलावा आग्नेय अवसादी चट्टाने जो थी उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था पहली क्लास में ही, और जो अवसादी चट्टाने हैं उसमें उसके बारे में मैंने इस क्लास में मैंने आपको बता दिया। तो इस क्लास में मैं आपको इतना ही बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बनाऊंगा आपकी किस पर, तो वो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी रॉक साइकिल यानी चट्टानी चक्र। चट्टानी चक्र क्या होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं क्या क्या चीजें मुझे पढ़ानी है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।